हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पता है? डेफिनेटली आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पता होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको ये पांच फैक्ट नहीं पता? तो दोस्तों, मैं ये पांच फैक्ट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रेस करने वाले हैं। और भैया, ये सारी की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में ऑलरेडी जमा करा रहे हैं किसी भी प्रकार की राशि, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना को ओपन करने का प्लान कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो दोस्तों, आज आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो में पांच अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद मैं ये करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। फैक्ट नंबर वन, व्हाट इफ यू डिपॉजिट मोर देन 1,50,000 इन सुकन्या समृद्धि योजना इन अ ईयर? दोस्तों, क्या होगा अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा करा देते हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कराया जा सकता है, जो कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कंसिडर किया जाता है। लेकिन क्या हो जब हम 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा देते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में अनलोनली? तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा, 1,50,000 रुपए से ऊपर अमाउंट जमा करा देते हैं, तो जो 1,50,000 रुपए से ऊपर जो आपने राशि जमा करी है, लेट सपोज आपने 20,000, 30,000, अगर आपने 30,000 कर दी, 40,000 कर दी, कोई भी राशि अगर आपने जमा कर दी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, वो पैसा आपको आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बिना किसी ब्याज के। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि इसके ऊपर जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसा कि सुकन्या समृद्धि योजना की टर्म्स एंड कंडीशन में साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पैसा जमा कराते हैं 1.5 लाख रुपए, तब आपको अकॉर्डिंग टू द स्कीम आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन भैया, अगर आप उससे ज्यादा पैसा जमा कराते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर टू, डिफॉल्ट अकाउंट विल बी ओनली अर्न सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट आफ्टर 15 ईयर्स। अब दोस्तों, बात ये निकल के आती है कि आपका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट ही क्यों गेन करेगा, जबकि आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि न्यूनतम राशि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो फिक्स करी गई है वो 250 रुपये है अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम 250 रुपये भी जमा नहीं करा पाते हर महीने। तो भैया, एक साल के अंदर जो भी आपका अमाउंट फिक्स किया गया हो गया सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, लेट सपोज अगर आप 250 रुपये जमा कराते हैं और 12 महीने का अगर मैं कंसीडर करूं, तो तकरीबन 3,000 रुपये आपको साल का जमा कराना है। लेकिन अगर आप ये 3,000 रुपये साल के जमा नहीं करा पा रहे हैं, तो भैया आपको यहाँ पे पेनल्टी पे करनी होगी, जो कि होगी एनुअली 50 रुपीज़ की, अकॉर्डिंग टू द 250 रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज कभी क्या होता है कि यहाँ पे 15 साल से भी ज़्यादा हम अपने पैसे को जमा कराते रहते हैं। लेट सपोज 15 साल के बाद आप कोई मैच्योरिटी हो जानी चाहिए थी, आपको पैसा जमा कराना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन समहाउ आप अभी तक इसके अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं पैसे को। तो भैया, उस पैसे के ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा और वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में देन एंड देयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट। फैक्ट नंबर थ्री, नो इंटरेस्ट आफ्टर मैच्योरिटी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो मैच्योरिटी है वो 21 साल के बाद हो जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जो मैच्योरिटी है वो भैया खाता खुलने के 21 वर्ष के बाद हो जाती है। लेकिन यदि आपकी लड़की की शादी ऐसे में 21 वर्ष पूरे होने से पहले हो जाती है, तो भैया इसके अंदर क्या होगा? हालांकि कई लोग महसूस करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता सर्वोत्तम ब्याज दर प्रदान करता है, लेकिन क्या हो अगर आपकी
बेटी की शादी 21 साल से पहले कर दी जाए। तो भैया यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर आपको मैच्योरिटी तो 21 साल के बाद ही मिलेगी, लेकिन क्या हो कि अगर आपकी बेटी की शादी 25 साल में, 26 साल में या फिर 28 साल में होती है, इसके ऊपर यानी 21 साल के बाद आपको 1% का भी ब्याज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। ये चीज आपको नहीं पता थी। फैक्ट नंबर 4, प्री मेच्योर विड्रॉल रूल। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में से हम 50% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपको इसकी कंडीशन के बारे में भी पता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 50% तक पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही माध्यम हो सकता है, एक ही कारण हो सकता है, वो ये कि आपकी बेटी की हायर एजुकेशन या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भैया मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आपने सुकन्या समृद्धि योजना में 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, जबकि आपकी बेटी की आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए तक तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपकी बेटी की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी की उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं है तो भैया आप इस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस आपको प्रीफिक्स करी गई हैं। अगर आपके बेटी की उम्र 18 साल की है तब तो आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। फैक्ट नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को एक बैंक से ज़्यादा या एक डाकघर से ज़्यादा ट्रांसफ़र करा सकते हैं? दोस्तों जब कभी भी आपको जॉब के चलते, बिजनेस के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो पोस्ट ऑफिस और बैंक भी आपको ये एक्सेसिबिलिटी देते हैं कि अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार अपने बैंक अकाउंट का या फिर मैं बात करूँ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का ट्रांसफ़र कहीं भी करवा सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी होती। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ट्रांसफ़र करने से पहले आपको किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करना होगा, वहाँ पर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के देना होगा, उसके बाद ही आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 फैक्ट आपको कैसे लगे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल रह गया है या फिर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद मैं ये करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।